I repeat again to all the people, please come a little closer. We are doing a small street play on behalf of Amche Mango people, a small social organization which believes in sharing and caring for a fellow Mumbaikar. So we are giving a small street play on women empowerment, and the title of the street play is A Life of a Woman. Hum aapko leke jayenge, nari jab se paida hoti hai, jab tak office jati hai, to uske khilaf kya kya hota hai. So it's an interesting play. जितना आप नजदीक आओगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा. नारी, स्त्री, गर्ल, वुमेन, सुनते ही आपके जहनो दिमाग में क्या आता है? तो ऑडियंस जरा आप बताइए, अगर नारी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? पावर. पावर, दैट्स वेरी नाइस. हम थोड़े लड़कों को भी पूछ लेते हैं. माँ, ओके. मासूम बच्ची. मासूम बच्ची. Education. Strength. Good. तो हम आपको सुनाते हैं छोटी सी कहानी जो नारी के बारे में है. आपको सुनानी है. नारी या फिर बच्ची जब पैदा होती है या लड़की पैदा होती है तो लोग कह उठते हैं, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर लक्ष्मी हुई है. क्या ये आज के जमाने में भी सच है? चलिए देखते हमारे पहले सीन में. बधाई हो सर ठाकुर सर, आपको लड़की हुई है. लड़की? हाय राम, लड़की यानी परेशानी. अब तो मुझे नींद नहीं आनी. जब करनी पड़ेगी मुझे उसकी शादी, तब होगी मेरे सारे पैसों की बर्बादी. अजी ऐसा क्यों कहते हो? जो तो है हमारी बिठा और बनाई की अपनी अलग कहानी. चुप रे. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी पैदा होते ही बेचारी नारी को क्या क्या सहना पड़ता है. बेचारी, अपला, मासूम. सो क्योंकि तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी, तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. घर पे लड़के और लड़की यानी कि बेटे और बेटी को समानता का दर्जा मिलता है कि नहीं, देखते हमारे घर में. क्या बात करनी थी बेटा? पापा, दुबई जाओ, जरूर जाओ, घूम के आओ.
रोलेक्स की घड़ी लाना मत बोलना। पढ़ाई के लिए फ्रेंड के यहाँ तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि कल कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ लेना या फिर अपने फ्रेंड को हमारे घर बुला लो। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की अधूरी सी आशा। I am a complain boy. क्या ये लड़की भी बोल पाएगी I am a complain girl या फिर शायद नहीं, क्योंकि तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी, तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी। हमारी बिटिया रानी अब बड़ी हो गई है और उसने कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया है, तो कॉलेज की गलियों में उसे फूल मिलेंगे या फिर पत्थर, देखते हैं हमारे अगले सीन में। चले जाएंगे या फिर जिंदगी भर उसके दामन पर रह जाएंगे, क्योंकि तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी, तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह करते करते इस लड़की को प्यार हो गया है। चलिए देखते प्यार की गलियों में ये लड़की अभी क्या गुल खिलाती है हमारे अगले सीन में। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मुझे तो अभी बहुत सारी देखनी है, मतलब क्या बन गई उमर कैद की सजा। यही है राइट चॉइस बेबी, हाँ हाँ, या फिर शायद नहीं, लड़कियों के पास थोड़ी कोई चॉइस होती है, क्योंकि तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी, तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी। रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर बड़ों का वहाँ हो, हंसना हंसाना है, रुला रुलाना है, खोना है पाना है, फिर मुस्कुराना है। कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। तो चलिए दोस्तों हमारी घर की कहानी में भी एक छोटी सी झलक डाल देते हैं। अरे रामू, और गोपाल चलो यार, आज तो मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी, आज मेरे यार की शादी, आज मेरे यार की शादी है। शुभ मंगलम सावधान, शुभ मंगलम सावधान। शादी तो हो गई, शादी के बाद क्या होता है ये सभी जानते हैं, यानी कि हनीमून, और हनीमून के बाद यानी कि 9 months later ये भी क्या होता है, I'm sure ये भी सब जानते हैं। चलिए शादी हो गई, हनीमून हो गया, बच्चा भी हो गया, गृहस्थी तो अब शुरू हुई है। चलिए देखते हैं हमारी गृहस्थी में लड़की क्या गुल खिलाती है। अरे ओ कर्मचारी, खाना बना के नहीं, आज का दिन खाना बनेगा या फिर भूखा पेट सोना बनेगा। माँ जी बस 10 मिनट रुकिए, अभी खाना तैयार हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से लाया है, माँ बाप ने ना पैसे दिया ना बेटी को कोई कुछ, किस बनवारी गई हमारी। अरे ओ मम्मी की अम्मा जी, सारा दिन ख्याल रखोगी तो फिर हमारा ख्याल कब रखोगी। माजी बस थोड़ी देर, मम्मी को दूध पिलाकर, माजी को खाना देकर बस अभी आ गया। जल्दी करो जल्दी करो। ले
लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी दूध में बर्दाशा मुन्ना करे तमाशा। ये जो हमारे रिश्ते होते हैं ना वो फेविकोल की जोड़ की तरह रहते हैं, मजबूत जोड़ होते हैं, टूटेंगे नहीं भले ही मुन्नी की अम्मा को जिंदगी भर रोना पड़े, क्योंकि तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी, तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी। चलो ये तो हो गई घर की बात, देखते हैं नारी जो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है क्या ऑफिस में चैन की सांस ले पाती है या नहीं, देखते हैं हमारे अगले सीन में। सिमरन, तुमने तुम्हारे प्रमोशन के बारे में क्या सोचा है? प्रमोशन और मेरा? समझा करो। मैं सब समझ गई सर, और मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी। यही प्रॉब्लम है तुम जैसी लड़कियों का, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। ठीक है, शर्मा जी का प्रोजेक्ट सुबह 9 बजे कंप्लीट चाहिए, वरना यू फायर। यस सर। बाप रे, 10 बज गए, बहुत लेट हो गया, पता नहीं घर कब पहुंचूंगी। टैक्सी मिल गया नहीं, संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, इंसान बन गया शैतान, इंसान बन गया शैतान। ये तो ऐसे हो गया, वेरेवर नारी गोस परेशानी फॉलोस, क्योंकि तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी, तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी, तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी, तू चुप रहेगी, तू सब सहेगी। तुम हो आज के जमाने की नारी, तो मर क्यों बन जाए तुम पर भारी, क्यों सहती हो उनके जुल्मी हाथ, जबकि काम करती हो उनके साथ साथ। तुम उठाओ अपनी बुलंद आवाज, वरना मिलेंगे तुम्हें हमेशा धोखेबाज। बस बंद करो ये रोज का घुट घुट कर मरना, अब से तुम्हें है शान से जीना। नारी में कुछ कम नहीं है फुर्ती, इसीलिए तो कहते हैं उसे सहनशीलता की मूर्ति। अब खत्म करो ये किस्सा और बन जाओ इस प्यारे से जग का एक हिस्सा। तुम कोई भी हो, रीना या मीना, रेहाना या रुखसाना, मोनिका या जेसिका, बिफोर वी एंड दिस शॉर्ट स्टोरी वी वुड लाइक टू टेल यू सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। Amche Mango People is giving a small written gift to you all, to all the lovely ladies here. It's a small whistle which you can keep in your wallets, in your purse. Can somebody volunteer and get that so that quickly? Amche Mango People believes in women empowerment as one of the social causes. So we're giving a small whistle which you could probably use in case you come there and keep this in your purse. It's very important. It's very important. Thank you very much again for being a patient audience. And please collect the return gift as a whistle, which is very important to all the lovely ladies out here. Please keep them in your wallet. Thank you very much.